नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये जानकारी शेयर की है। उन्होंने लिखा कि मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैं ठीक हूं और मुझे कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर्स की निगरानी में मैंने स्वयं को आइसोलेट कर लिया है। आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया सावधानी बरतें और अपनी जाँच करवाएं। हम सभी के कुशल स्वास्थ्य की कामना करते हैं। उत्तराखंड में सड़कों और पुलों का जाल भले ही बिछ रहा हो, लेकिन अफसरों की मनमानी कार्यशैली से स्थानीय लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार देहरादून मार्ग पर शांति कुंज से रायवाला तक बना मोतीचूर फ्लाईओवर आसपास के करीब आधा दर्जन से ज्यादा गांवों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। करीब 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबे इस फ्लाईओवर में एक स्थान पर ही अंडरपास नहीं होने से स्थानीय ग्रामीणों को 4 से 5 किलोमीटर तक घूमकर आना जाना पड़ रहा है। आज समस्या के निराकरण के लिए ग्रामीणों से ने जब केंद्रीय मंत्री निशंक से गुहार लगाई तो निशंक भी उनकी समस्या सुनकर हैरत में पड़ गए कि अफसरों ने इतनी बड़ी लापरवाही आखिर क्यों कर दी। निशंक ने जिम्मेदार अफसरों को फोन कर जमकर फटकार भी लगाई। क्या दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत है तो बताए ना, ठीक करेंगे आपकी दिक्कतों को। क्यों नहीं उतर अभी तक काम हुआ? क्या प्रोसीजर 10 साल में होता है? क्या आप बताएं क्या प्रोसीजर था, कहाँ कमी हुई है? बताओ कौन कौन देरी कर रहा है, उस अधिकारी को बताओ मुझे। प्रोसीजर चलाओ ना, जो घंटों में होना है वो महीनों में करोगे क्या? और इसको 1 साल 1.5 साल 2 साल हो गया, वो पैसा देने को NHI तैयार है? राशन की सब अनुमति हो गया, हालांकि इतनी लंबी प्रक्रिया की जरूरत ही नहीं थी। 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने में जो कार्रवाई हो जानी है, यदि 1-1 साल लगा रहे हैं। आप जरा इसका डिटेल मेरे को भेजिए और आप मुझे भेजिए कि अभी तक किसी स्थिति में और कब तक आप पूरा कर देंगे मुझे बताइए। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हरिद्वार महाकुंभ मेले को लेकर बड़ा बयान दिया। अनिल बलूनी ने कहा कि हरिद्वार महाकुंभ मेला दिव्य और भव्य होगा, लेकिन सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का भी इसमें पालन कराया जाएगा। वहीं 2022 उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अनिल बलूनी ने कहा कि 2022 में भी उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। इतना ही नहीं, अनिल बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से 2022 के विधानसभा चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हरिद्वार में जो सरकारी स्तर के जो काम है वे लगभग अच्छे प्रोग्रेस पे हैं और अच्छा कुंभ होगा, बेहतरीन कुंभ होगा, दिव्य और भव्य कुंभ होगा। जो सरकारी गाइडलाइंस हैं उन सबका पालन करके मुझे पूरा विश्वास है यह कुंभ उत्तराखंड के लिए, पूरे हमारे समाज के लिए, उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए और उत्तराखंड के प्रत्येक जनमानस के लिए भी ये कुंभ अच्छी समाचार लेके आए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा कार्यालय में पेयजल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सिस्टम इतना खराब हो गया है कि जब तक हंटिंग न की जाए तब तक काम नहीं होता। सरकार द्वारा योजना स्वीकृत हो जाती है लेकिन पैसा जारी हो जाता है, लेकिन विभागीय कार्रवाई न होने के चलते काम नहीं होता। इसीलिए आज विभागीय अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई और अधिकारियों को 31 मार्च से पहले पेयजल की पेंडिंग योजनाओं पर काम शुरू करने के निर्देश भी दिए गए। सरकार पैसा देने को तैयार है लेकिन विभागीय कार्रवाई न होने के कारण कईयों ने, हमारे अपर सचिव यहाँ पर थे, पैसा पड़ा हुआ है पेयजल निगम द्वारा, उनको प्रश्न नहीं किया गया योजना को। 31 मार्च आने वाला है, इसलिए मैंने आज सारे यहाँ के MD को, सारे एक्सचेंज सी को, शासन के लोगों को यहाँ पर बुलाया था और उनको निश्चित किया कि 31 मार्च से पहले पहले जितनी हमारी पेंडिंग योजनाएं हैं इनकी स्वीकृति हो जाए, इनके काम शुरू हो जाए और जो योजनाएं पूरी हो गई हैं उनकी लोकार्पण हो जाए।
लक्सर पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मुंडाखेड़ा खुर्द में होली के उपलक्ष में एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें लक्सर कोतवाली प्रभारी प्रदीप चौहान ने कहा कि 28 और 29 मार्च को होली का त्यौहार है। इसी क्रम में उन्होंने सभी ग्रामवासियों और क्षेत्रीय जनता से इस होली के त्यौहार को प्रेम और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है और भाईचारे का त्यौहार है। इस त्यौहार को शालीनता और हंसी खुशी के साथ मनाना चाहिए। उन्होंने मीटिंग में आए लोगों से कहा कि होली के दिन नशे का इस्तेमाल ना करें और तेज गति से वाहन भी ना चलाएं। 28 और 29 तारीख को जो है होली है, उसके उपलक्ष पे सभी ग्रामवासियों की क्षेत्रीय जनता की एक मीटिंग आयोजित की जा रही है तथा इनके एक शांति समिति जो बनती है उसका आयोजन किया जा रहा है। जो होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, इसको हर्षोल्लास के साथ, सामाजिक सौहार्द के साथ सभी लोग मनाएंगे, ऐसी अपील की जा रही है। और क्षेत्रीय जनता द्वारा, ग्रामीणों द्वारा भी हमें पूरा आश्वासन मिल रहा है कि हम बढ़िया तरीके से होली का आयोजन करवाएंगे। ऋषिकेश में नमामि गंगे के तहत कई प्रोग्राम किए गए और आज नुक्कड़ नाटक के द्वारा लोगों को जागरूक करने का काम भी किया गया। साथ ही जल संरक्षण का संदेश भी दिया गया। जहां लोग गंगा के जल को प्रदूषित कर रहे हैं, वहीं सार्वजनिक नल लगे होने की वजह से पानी का दुरुपयोग भी किया जाता है। अगर कोई नल टूट जाता है तो वहाँ के लोग सिर्फ सरकार की तरफ या उस विभाग की तरफ देखते रहेंगे, वो तब आकर इसको ठीक करेंगे, ना कि कुछ पैसे मिलाकर एक नल की टोटी लगा दे जिससे जल का बचाव भी किया जा सकता है। वहीं गंगोत्री से लेकर ऋषिकेश तक और बद्रीनाथ से लेकर देवप्रयाग तक सभी जगह इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में गंगा को स्वच्छ रखने के लिए ऋषिकेश में 6 एसटीपी बनाए गए हैं। आज नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से गंगा स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा। इसी तरह से आने वाले दिनों में स्कूल के बच्चों को चित्रकारी की प्रतियोगिता करवाई जा रही है, भाषण प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता करवाई जा रही है, जिसमें ये सभी बच्चे गंगा से संबंधित विषयों पर अपना प्रतिभा करेंगे। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं कि कहीं पे जो सार्वजनिक जगहों पे पानी के स्टैंड पोस्ट लगे होते हैं, टोंटियाँ फ्री रहती हैं, पानी गिरता रहता है, तो कई लोगों की एक मानसिकता हो जाती है कि इसको सरकारी विभाग ही आके ठीक करेगा। उसको हमें अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा कि 20-25 रुपए की 20 आती है, मैक्सिमम 50 रुपए की आ जाती है, उसको कोई भी हिम्मत करे और उसको लगा के जो फ्री हो रखे है उसको सही कर दे। घरों में भी हम उतना ही पानी इस्तेमाल करें जितने हमको आवश्यकता होती है, अनावश्यक पानी का बहाव ना करें और पानी का संरक्षण करेंगे। ये आज सभी ग्रह शपथ ली इसकी और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सभी को उसके लिए जागरूक भी कर रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले साल के मुकाबले इस साल जंगलों में आग लगने की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। पिछले फायर सीजन से करीब 4.5 गुना जंगल इस साल मार्च के महीने तक आग की चपेट में आ चुके हैं। इस संबंध में मुख्य वन संरक्षण फॉरेस्ट फॉरमान सिंह ने बताया कि इस साल फॉरेस्ट फायर की घटनाओं का आंकलन करें तो पिछले साल अक्टूबर महीने से ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं शुरू हो गई थी। ये हाल बरसात के मौसम में देखने को मिला, जो कि अप्रत्याशित था, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने सर्वे किया। विकास खंड पाबो के अंतर्गत आने वाली मिलाई गांव की शीतल रावत युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उभर रही हैं। शीतल राजकीय इंटर कॉलेज चिपघाट की छात्रा हैं, जो शिक्षा के साथ साथ खुद को स्वरोजगार से जोड़कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में लगी हुई हैं। शीतल बताती हैं कि उसके पिता का देहांत एक सड़क हादसे में हो गया था, तब से उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए शीतल ने हार नहीं मानी और खुद का स्वरोजगार कर अपने परिवार को मजबूत करने का प्रण लिया। शीतल ने अपने घर में ब्लॉक की सहायता से मुर्गी पालन का काम शुरू किया है। बता दें, शीतल द्वारा बोलियर प्रजाति के 100 से ज्यादा चूजे लाकर मुर्गी पालन का काम शुरू किया गया है। कि सब अपने मतलब अपने उसके करे काम की किसी पे डिपेंड ना रहे, खुद पे मतलब किसी पे भी ऐसा डिपेंड ना रहे कि ये मुझे देगा तब जाके मैं आगे काम करूंगा, अपने बलबूते पे काम करें। उत्तराखंड के कई इलाकों में मौसम खराब रहा है। बता दें, राजधानी देहरादून में सुबह से ही तेज हवाएं चल रही हैं। बहरहाल मौसम को देखकर ऐसा लग रहा है कि तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की जा सकती है। मसूरी में भी बादल छाए हुए हैं, यहां बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं यमुनोत्री घाटी में भी बारिश का मौसम बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग के भविष्यवाणी के मुताबिक उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में ऊंचाई वाले कई स्थानों पर सोमवार और मंगलवार को बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। वहीं मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाएं चल सकती हैं।
उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।